गोड़ा जिले में एक बार फिर एक बार भारतीय स्टेट बैंक का खुला पोल। आखिर भारतीय स्टेट बैंक सीएसपी से कैसे हो जाती है अवैध निकासी। झारखंड गोड्डा से आशीष कुमार के साथ रंजीत रोशन की ग्राउंड रिपोर्ट। भारतीय स्टेट बैंक का खुला पोल। आखिर भारतीय स्टेट बैंक सीएसपी से कैसे हो जाती है अवैध निकासी। आखिरकार इतनी मोटी रकम कैसे निकाली जाती है। खाते से सीएसपी बैंक की मिली भगत से निकलती है अवैध निकासी। देखिए क्या आरोप लगाया है, हम दिखाते हैं आपको पूरी रिपोर्ट। झारखंड के गोड्डा जिले के पथरगामा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत कस्तूरिया थाना पथरगामा का यह मामला है, जहां पर नाम रेशमी देवी, मां गंगा महिला मंडल अध्यक्ष, दूसरा नाम मुन्नी देवी सचिव, तीसरा नाम उषा देवी कोषाध्यक्ष का आरोप है कि भारतीय स्टेट बैंक सीएसपी बरमसिया के संचालक ने अवैध तरीके से इनके खाते से 21 लाख रुपए का अवैध निकासी कर ली थी, जिसमें 9,14,000 वापस कर दिए गए और जितने पैसे थे यह अभी तक वापस नहीं किए गए हैं। जिनके खाते से पैसा निकला है, इनका कहना है बैंक मैनेजर और सीएसपी संचालक की मिली भगत से यह अवैध निकासी की जाती है। आखिर अवैध निकासी कैसे होती है, अगर होती भी है तो दोषी पर कार्यवाही क्यों नहीं होती। रेशमी देवी का कहना यह भी था कि पथरगामा थाने के प्रभारी कोई कार्रवाई नहीं करते। आखिर सीएसपी संचालक पर और बैंक के मिली भगत प्रशासन क्यों नहीं कार्रवाई करती है, जिसमें रेशमी देवी समाहरणालय गोड्डा को एसपी को आवेदन देने पहुंची और गोड्डा डीसी को आवेदन दिया। अब देखना यह है कि आगे की कार्रवाई क्या की जाती है। किस बैंक से निकासी हुआ आपका पैसा? भारतीय स्टेट बैंक बरमसिया से। भारतीय स्टेट बैंक, क्या नाम हुआ आपका? रेशमी देवी। रेशमी देवी, आपका नाम क्या हुआ? मुन्नी देवी। किस बैंक से पैसा निकासी हुआ? भारतीय स्टेट बैंक बरमसिया। बरमसिया से पैसा। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। किस बैंक से निकासी हुआ पैसा? भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय स्टेट बैंक से। हाँ। बरमसिया से। हाँ, बरमसिया। ठीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशीष कुमार। मैं झारखंड राज्य के गोड्डा जिला में मौजूद हूं। मैं अभी समाहरणालय आया था और हमारे कुछ रिपोर्टर जुड़े हुए थे, इनके बारे में हम लेटर जमा करने आए थे, लेकिन वहां पे कुछ एक मामला ऐसा आया जो हमें न्यूज दिखाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारे साथ जो पीछे में जो महिला खड़ी है, इनके बैंक सीएसपी के द्वारा और बैंक के द्वारा इनके साथ जाली काम किया गया। इनका 12,60,000 रुपया जाली तरीके से निकासी कर दिया गया। इनसे हम पूरा मामला जानते हैं, क्या है पूरा मामला इन्हीं से हम जानते हैं। क्या मामला? रेशमी देवी। क्या मामला है पूरा आप बताइए। हम लोग का बरमसिया एसबीआई में जो हम लोग का खाता है, उसमें से हम लोग को 12,60,000 निकासी हुआ, जिसमें हम लोग कोई तीनों दीदी में से कोई सिग्नेचर नहीं किए। टोटल पैसा कितना आया था? टोटल पैसा हम लोग का 21 लाख रुपया आया था। 21 लाख रुपया में 9,14,000 रिटर्न हो गया है। मतलब ये 2100,000 रुपया निकल चुका था। 21 लाख रुपया मतलब हम लोग का बिना सिग्नेचर किए हुए सारा पैसा निकल गया। टोटल पैसा। उसके बाद जब हम लोग को पता चला तो हम लोग इसका जब छानबीन किए तो 9,14,000 पैसा रिटर्न किया और 12,60,000 पैसा नहीं किया। अब क्या है मतलब अभी? हम स्वयं सहायता समूह जो माँ गंगा महिला मंडल की मैं अध्यक्ष हूँ। ये पैसा जो आया था किस क्या चीज का पैसा आया था? ये पैसा मनरेगा फंड से आया था। मनरेगा फंड से आया था, मतलब शौचालय उचालय। हाँ जी, इसी के बारे में पैसा आया। मेरे साथ और महिला है, आप कौन है? सचिव है। जो ये 21 लाख रुपया जो निकासी हुआ और 9,14,000 रुपया वापस दे दिया गया, तो ये आप बिना कोई चेक पे साइन नहीं किए? कहीं पे साइन नहीं हुआ? कहीं मतलब बैंक किसका गलती मानते हैं आप? किसके द्वारा ये पैसा निकासी हुआ? पैसा निकासी हुआ है दोनों के द्वारा। एक रंजन यादव एक सीएसटी ओनर है। हाँ। और बैंक मैनेजर से वो मिलते जुलते रहते हैं हमेशा। जब बैंक और सीएसपी का मिली भगत है और दोनों अगर सीएसपी ओनर हो करके अगर यदि इतना पैसा निकाला, आज तक ना बैंक वाले कोई कार्रवाई किया है ना थाना पुलिस कोई कार्रवाई किया। अभी तक उसका थाना कौन सा पड़ता है? पथरगामा थाना के पास गए थे। हाँ गए थे, पथरगामा थाना में भी हम लोग आवेदन दिए। क्या बोला पथरगामा? वहाँ से कुछ नहीं बोला। कुछ नहीं, हम ही लोग को बुला रहा है थाना आइए। जबकि हम लोग 2-3 बार थाना जा चुके हैं। थाना आइए और थाना में जब रंजन को बुलाया जाता तो नहीं आता है, बार बार हम ही लोग को बुलाया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? थाना में मतलब आप लोग का कार्रवाई नहीं चाहिए। हमारे साथ आप कौन है? संगठन कोषा अध्यक्ष। क्या नाम हुआ आपका? उषा देवी। तो बिना साइन क्यों है आपका अकाउंट से पैसा निकल गया? टोटल पैसा कितना निकला था? 21 लाख रुपया। वापस कितना हुआ? 9,14,000 वापस हो गया। आपका नाम क्या मैडम? ये पथरगामा थाना का जो वहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, पथरगामा थाना भी गए हुए थे लेकिन पथरगामा थाना में इनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। अब इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो ये गोड्डा समाहरणालय आए हैं, ये किनसे गुहार लगाए हैं, इस बारे में इनसे भी हम जानने की
कोशिश करेंगे। किसको किस आवेदन दिया था? डीसी को और एसपी को। एसपी को क्या मिला वहाँ से सिचुएशन क्या बोला गया? वो लोग बोला जो हम लोग थाना को बोलेंगे और उसका केस जारी करेंगे। केस जारी करेंगे। इनका कहना हुआ जो डीसी थे गोड्डा के और एसपी थे गोड्डा के, इनको बोला गया, थाना प्रभारी को आदेश दिया गया है, जो भी केस होगा, जो भी खाते से पैसा निकासी हुआ है 420 के तहत इन पे कार्रवाई होगा। और आगे की हमारे साथ इनके पंचायत के मुखिया भी जुड़े हुए हैं, इनसे मुखिया से भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। मुखिया जी, ये जो 21 लाख रुपया का जो मामला है, इसमें 9,14,000 रुपया वापस आ गया, 12,07,000 रुपया निकासी हुआ, इसमें आपका क्या मतलब, कहाँ तक सकता है जानकारी? अपेक्षा सचमुच में वो फर्जरी के माध्यम से साइन करके आए मिली भगत से घोटाला। मतलब मिली भगत, ये जो सीएसपी कहाँ पे है? सीएसपी अभी मुखिया तो, आप किस पंचायत के मुखिया हुए? पंचायत। आपका नाम क्या? मुखिया प्रतिनिधि है। मुखिया प्रतिनिधि है। मतलब ये मतलब हकीकत है जो पैसा निकाल। यहाँ का आवेदन किसको किसको दिया गया? थाना को दिया गया है और आज दिनांक को आपका। तो वहाँ से क्या मिला, सुशासन क्या मिला वहाँ से, क्या होगा? क्लासों को कॉल करके बोला है कि बोला लगी और कार्रवाई के लिए। आपका नाम क्या हुआ? रामपुरी। रामपुरी। तो ये पूरा मामला आप देख रहे थे, हम भी अब समन्नाले आए हुए थे। समन्नाले की सीधी तस्वीर है जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये समन्नाले की सीधी तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह का मामला काफी बैंक के द्वारा काफी देखने को मिल रहा है। आपका बिहार में भी इस तरह का मामला उठा था जहाँ पर बिना साइन किए हुए पैसा निकासी हो जाता। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? आखिर सीएसपी और बैंक कर्मी पर कार्रवाई क्यों नहीं करती है प्रशासन? आप देख रहे थे जगत न्यूज 24, मैं हूँ आपके साथ सहयोगी रंजीत रोशन के साथ।